और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमने तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ काम किया। हमने कब जाति के नाम पर किसी को, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया? लेकिन हमने तो तुष्टीकरण को कभी प्रोत्साहित नहीं किया। जो तुष्टीकरण को प्रोत्साहित करते थे वही भेदभाव भी करते थे, वही बंटवारा भी करते थे, वही विभाजन भी करते थे। हमने तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। सशक्तिकरण, हर व्यक्ति का सशक्तिकरण, हर नागरिक का सशक्तिकरण, सबका सम्मान और सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के दलों से उभर करके एक राष्ट्रवाद की सोच के साथ आगे बढ़ करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण था। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आप सबसे ये अपील करने के लिए भी आया हूं, आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है, ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं।